जैसा कि आप जानते ही होंगे, Redmi S2 अभी हाल ही में चाइना में लॉन्च किया था और हर बार की तरह Xiaomi ने इस फोन का स्पेसिफिकेशन भी काफी कुछ अच्छा दिया है। इंतजार था तो इस बात का कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो फाइनली डेट निकलकर सामने आ गई है कि ये फोन 7 जून को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, Redmi S2 इंडिया में लॉन्च होगा लेकिन Redmi S2 के नाम से लॉन्च नहीं होगा। यह फोन लॉन्च होगा Redmi Y2 के नाम से, जो कि Redmi Y1 का एक सक्सेसर माना जा सकता है। वैसे तो Xiaomi का ये एक बेस्ट सेल्फी फोन माना जा रहा है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और आपको इसके अंदर AI टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। माना जा रहा है ये फोन डायरेक्ट कॉम्पीट करेगा Asus ZenFone Max Pro M1 और Honor 9 Lite को। ये एक सेल्फी सेंटर फोन होगा, यानी बताया जा रहा है कि इसका सेल्फी कैमरा काफी अच्छा होगा। साथ ही आपको फ्रंट में मिल सकती है LED फ्लैशलाइट, जो ऑफ कोर्स सेल्फी को और ज्यादा बेहतर बना देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, कि प्राइस के अकॉर्डिंग इसका स्पेसिफिकेशन कितना बेहतर है। आपको इसके अंदर मिलेगी 5.99 इंच की HD+ डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 720x1440 होगा। साथ ही आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर। फोन दो वेरिएंट में हो सकता है, 3GB 32GB और 4GB 64GB के साथ में। दोनों ही वेरिएंट कैमरा डिपार्टमेंट के मामले में सेम होंगे। और रियर में आपको मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप, 12MP प्राइमरी सेंसर और 5MP सेकेंडरी सेंसर के साथ। और फ्रंट में आपको मिल जाता है 16MP का कैमरा, जो कि इसका हाइलाइटिंग फीचर है। और ऑफ कोर्स AI टेक्नोलॉजी बेस्ड फोन है, तो आपको इसके अंदर सेल्फीज काफी अच्छी मिलेंगी। और साथ ही ये फोन फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी सपोर्ट करेगा, जो कि आजकल के सभी फोन में एक कॉमन सी बात हो चुकी है। और आपको इसके अंदर मिलता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, यानी 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो भाई ये तो Redmi Y1 का एक प्लस पॉइंट हुआ। और आपको मिल जाता है इसके अंदर 3.5mm का जैक, बाकी सभी बेसिक सेंसर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दो लूज पॉइंट की, जो पर्सनली मुझे लगे लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। नंबर 1, आपको इसके अंदर मिलती है 3080mAh की बैटरी, जो कि थोड़ी कम है। वैसे भी Redmi जाना जाता है 4000mAh की बैटरी के नाम से, बट पता नहीं Xiaomi ने इसमें 3080mAh की बैटरी क्यों दी। वेल ठीक है, Xiaomi का फोन है तो भाई बिकेगा तो है ही। बात करते हैं दूसरे लूज पॉइंट की, जो कि इसका microUSB पोर्ट। ऑलमोस्ट आजकल सभी फोन फॉलो कर रहे हैं टाइप सी पोर्ट को, बट अभी भी microUSB पोर्ट, तो भाई जमाना चेंज हो रहा है। अगर इसमें टाइप सी पोर्ट होता तो और भी बेहतर हो सकता था। 3GB और 32GB वाले का प्राइस हो सकता है तकरीबन 10,000 से 11,000 रुपए के आसपास। और बात करें 4GB 64GB वाले वेरिएंट की, तो इसका प्राइस इंडिया में हो सकता है तकरीबन 13,000 से 14,000 रुपए के आसपास। तो ये प्राइस जो थे वो थे अकॉर्डिंग चाइना, बट देखते हैं कि इंडिया में इसे कितने प्राइस में लॉन्च किया जाता है। ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही होना चाहिए, और आई होप कि ये फोन आसानी से मिल पाए, क्योंकि इसके कंपटीशन में बहुत सारी फोन कंपनीज अपने अपने फोन निकाल रही हैं और बेहतर स्पेसिफिकेशन बेहतर प्राइस के साथ लॉन्च कर रही हैं। तो वेल देखते हैं कि ये फोन आसानी से मिल पाएगा इंडिया में या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।